नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने शो में। इससे पहले कि हम दिन भर की खबरों पर नजर डालें, हम आपको बता देना चाहते हैं कल हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी वार्ड नंबर 41 की, वहां के पोजीशन की, वहां लोग किस तरह से बुरी हालत में रह रहे हैं। रहने को छत नाम है, कभी भी छत गिर सकता है। नन्हे मुन्ने बच्चे डर के मारे घर के अंदर नहीं रहते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल से उनके दिन गुजर रहे हैं। एक आध बल्ब या एक पंखा लगा है, उसका भी लाखों रुपए में बिल आया हुआ है, वो भी तड़प रहे हैं। आज हमारा रिपोर्टर रुपेश कुमार उसी वार्ड में गया था फिर, लेकिन वहाँ देखकर हैरान हो गया कि एक नहीं, ऐसे बहुत से घर हैं जिनकी हालत ऐसी ही है। एक नज़र डालते हैं वार्ड नंबर 41 पे। मेरा क्या कसूर? जी हाँ, इन लोगों का सिर्फ यही कसूर है कि ये लोग गरीब हैं और गरीबी तबके में जी रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, इसे बताया भी जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। क्या ग्राउंड लेवल पर इन तक वो स्कीम्स का फ़ायदा पहुँच पाता है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। दिखा दी कि तालाब तिलो वार्ड नंबर 41 के लोगों की क्या हालत है। ये हालात है, किस हालात में ये लोग रहते हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी भी हालत मैं आपको बता दूं कि हमारी भी आंखों में आज आंसू आ गए हैं, ऐसी हालात देखकर, ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखकर, और इतनी खस्ता हालत में ये लोग रहते हैं। और सरकार वादे कर रही है, ये कह रही है कि हम तमाम सुविधाएं जो है इन लोगों को दे रहे हैं। और बड़ा मुश्किल गुजारा चल रहा, निकल के बच्चे मंग रहे, जंदे बेचारे खंदे, कोई ध्याड़ी धापा लांदा बेचारा मुड़ा मेरा, तो बड़ा मुश्किल शामी ढंग कटवाने दिखे लाओ तो हाफ हो। बड़ा कदे आखे नहीं है इधर दे जेड़े कोई थोड़े प्रेसिडेंट ने या कोई कारपोरेटर ने या कोई इत्थे बड़े मेयर बड़े कुंडे लीडर बड़े बड़े आखे आए कोई नहीं, सारी सुनदा नहीं किसे की आखदे ने। हां आपू बनाई देगे कख नहीं आंदा कोई भी नहीं, खाली आखदे ने। हां सर खाली आखदे ने, करदा कोई नहीं, ना करदा नहीं कोई। कुछ आखना चाहोगे तुस एलजी दी कोई सरकार दी कुछ आखना चाहंदे हो? एक तरफ हम हर वक्त बात करते हैं कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, जम्मू एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आवास योजना है, रोजगार योजना है, आपने खुद देखा ना क्या हालत है इन लोगों की, किस तरह से रह रहे हैं, इनका जीना भी क्या जीना है, तड़प रहे हैं, और कोई भी अभी तक उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। कारपोरेटर के लिए यही कह रहे हैं कि वो आया था सिर्फ वोट लिए, वोट मांगे, वोट लेने के बाद वादे किए हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अब आप नजर डालते हैं आज दिन भर के समाचारों पर। इसराइल ने हमास के आतंकी हमले को चार दिन बीत चुके हैं और अब आतंकियों की बर्बरता की खबरें सामने आने लगी हैं। हमास के आतंकियों ने इसराइल लोगों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उनके साथ बर्बरता भी की है। इसराइली सैनिकों को जो शव बरामद हो रहे हैं उनमें से कई के सर धड़ से अलग हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली सैनिकों ने बताया कि 40 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक द्वारा विदेशी चंदा नियमन कानून के कथित उल्लंघन को लेकर प्राथमिकता दर्ज की है। साथ ही बुधवार को दो स्थानों पर छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एक टीम ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकास्थ्यथ के आवास और कार्यालय की तलाशी ली। बता दें कि पुरकास्थ्य को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया था। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के शहर सियालकोट की एक मस्जिद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार 41 साल के लतीफ के जम्मू कश्मीर के कई आतंकियों से कनेक्शन थे। उसने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कई हमलों को अंजाम दिया था। माना जाता है कि लतीफ जैश ए मोहम्मद का कमांडर था। पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़े ड्रग स्मगलर को काबू किया है जिसके पास से 4.94 करोड़ और 38 गाड़ियों की फेक नंबर प्लेट रिकवर की गई। यह वही आरोपी है जिसके पास से 30 किलो हीरोइन जम्मू से रिकवर की गई थी।
उसके पास से ज्यादातर चंडीगढ़ नंबर की फेक गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद की गई। सीनियर अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक नशा तस्करी का ये बड़ा कारोबारी गाड़ियों में फेक नंबर प्लेट लगाकर अलग अलग स्टेट में नशा तस्करी करता था और फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल करता था ताकि किसी कैमरे में ना आ सके, और अगर आ भी जाए तो पुलिस उसको ट्रेस ना कर पाए। मेरी जिनचान ये पंजाबी फिल्म अप्सरा सिनेमा और हरी सिनेमा में 13 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रही है। और इस फिल्म की खास बात ये है कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब डोगरे कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने पंजाबी बखूबी बोली है। और इस फिल्म को निर्देशित किया है विक्रम सिंह ने। उसनु किवें निभाया जाता है, एक पिता अपनी औलाद अपने बच्चों प्रति किन्ना सुहिरद है, किन्नी मेहनत करता है, किस तरीके देखभाल करता है, चढ़ती कला वास्ते दुआ करता है। इसे तरह एक और जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी है कि जम्मू में ओला टैक्सी सर्विस जो है शुरू हो गई है। कुछ लोग तो उसको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि जम्मू के अंदर टैक्सी की हमेशा लोकल प्रॉब्लम रही है। जब से वो काली टैक्सी ब्लैक एंड येलो कलर की होती थी, शायद आपको याद हो, बंद हो गई है। उसके बाद जम्मू के अंदर लोकल टैक्सी कोई नहीं मिलती। अगर टैक्सी मिलती भी है तो लॉन्ग रूट के लिए मिलती है, जहाँ से कटरा जाना है मिलती है, श्रीनगर जाना है तो मिलती है, जब बाहर जाना है तो मिलती है। लेकिन गांधीनगर से किसी ने परेड जाना है या परेड से किसी ने तालाब तिल्लो जाना है या किसी और जगह लोकल जाना है तो वहाँ टैक्सी नहीं मिलती। अब इसको लेके जो जम्मू में टैक्सी आई है, इसको लेके भी अलग अलग विचार है। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने बात की है एक ऐसे एक आदमी से जो टैक्सी को जम्मू में आने के लिए एक अच्छी बात कह रहा है, सुनिए। अनिल है, ओला का फायदा ये है कि हाँ कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स है वो एक तो उनको एक साधन मिल जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट उनको अच्छी मिलेगी, और हमें ये कि जो ऑटो वाले हमारे जो टैक्सी वगैरह थे जो हमसे मतलब कि जो दुगना किराया वसूलते उसमें भी थोड़ी हमें वो राहत की प्रोवाइड की जाएगी ताकि हमें पता चले कितना किलोमीटर हमने चलना है, उसी हिसाब से हम अपनी पेमेंट कर पाएंगे। और बाकी ये जो हमारी सिस्टर्स वगैरह जाती हैं उनका पता लगता है कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि टैक्सीज वगैरह में ऐसा नहीं होता, पर ओला में हम उसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उसका पूरा हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें ये बात बड़ी है कि ऑनलाइन इसमें सारा बुक होगा, जो भी होगा इसका फ़ायदा जो भी हमें इस बात का प्रोवाइड होगा, और हमें लिमिट के हिसाब से इसके पैसे देने पड़ेंगे कि जितना हमें उसमें चलना है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात भी सामने आया, क्योंकि हमने देखा है जिन शहरों में ये टैक्सी सर्विसेज है, दिल्ली में आपको बात करें तो जितने भी क्राइम हुए हैं इन टैक्सी सर्विस वालों ने ही किए हैं, इनके ड्राइवर्स ने किए, इन टैक्सी के अंदर हुए हैं बहुत से क्राइम, इनमें रेप हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी स्टोरियाँ आपके सामने आई थी। अब यह भी डर लग रहा है कि जम्मू के अंदर भी कहीं क्राइम बढ़ ना जाए, क्योंकि टैक्सी जो है वो जम्मू से लोकल ले रहे हैं, अब टैक्सी के पास टैक्सी का लाइसेंस नहीं है लेकिन टैक्सी के नाम से उसे यूज़ कर रहे हैं, टू व्हीलर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके पास भी वो कमर्शियल प्लेट नहीं है, कमर्शियल लाइसेंस नहीं है लेकिन उसे कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है, मुंह बांध के एक आता है राइडर को उसको ले जाता है, पता नहीं ये कौन है कौन नहीं है। और जम्मू के अंदर तो वैसे भी जितने भी चेन स्नैचिंग है दूसरी चीज़ें हैं, यही बाइकर आते हैं मुंह बांधा होता है, फोन आप कोई कर रहा होता है उसके हाथ से छीन के ले जाते हैं, ये सब कुछ है। इस पर आपने बात की थी, इंद्रजीत शर्मा है, प्रेसिडेंट है स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी यूनियन के, उन्होंने क्या कहा? देखिए टैक्सी वालों का नुकसान ही है, फायदा कहाँ से होगा? ओला उबर जो है ये बड़ी बदनाम कंपनी है, आप गूगल में देखिए काफी स्टेटों में जो है वो बैन हो चुकी है, क्योंकि बाहर ये नेशनल न्यूज आपने भी कई बार सुनी होगी कि इसमें बाहर रेप हुए, मर्डर हुए और रात को किडनैपिंग भी हुई जो बाहर की स्टेटों में, तो इसलिए काफी स्टेटों ने इसको बैन कर रखा था। हमारे विरोध करने पे ये यहाँ 7-8 साल से जो स्थगित की गई थी जो पिछली सरकारें थी, लेकिन अचानक यकदम ही एलजी सरकार ने इसको लागू किया है। इसका हमें भारी नुकसान है क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे काफ़ी युवा हैं जो नौकरी जिनको नहीं मिली वो इस फ्लीट में आए थे, बैंकों की इंस्टॉलमेंटें देनी है, ऊपर से ये बाहर की कंपनियां ला ला के जो ऑलरेडी इस काम में है। जहां तक ऐप का सवाल है कि लोगों की जम्मू के लोगों की जम्मू कश्मीर के लोगों की फैसिलिटी का मसला है,
ऐप होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पीछे ये निकाला था कि 5 लाख रुपए इसकी फीस होगी जो सरकार लेगी, हम वो भी देने के लिए तैयार थे। हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनसे भी बैठ के बात हुई थी कि हम ये ऐप जो है लोगों की भलाई के लिए देने के लिए तैयार है, हम वो बनाने के लिए तैयार है। हमारे पास टैक्सी स्टैंड है जगह जगह, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, डाक बंगला है, हमें सिर्फ सेटअप लगाना है। उसके बावजूद इन्होंने ये भारी कंपनी को नेगोशिएशन करके, क्यों कि ओला उबर वालों ने काफी हमारे साथ भी अप्रोच की, पिछली सरकार की बदौलत भी ट्रांसफर कमिश्नर के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी, तब भी हमें नेगोशिएशन के लिए बोला गया। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के कुछ अफसर है इन्होंने नेगोशिएशन करके ये ओला उबर को यहाँ लॉन्च किया। अब एक बात और है, यहाँ जाने माने पत्रकार एक परसों चौथ वो मोटरसाइकिल पे ओला उबर के उस पे पीछे घूम रहे थे, वो जो ड्राइवर था ना उसका कोई चेहरा दिखाई दे रहा था आपको, आपने भी वो बाइट देखा होगा, और वाइट प्लेट थी। हमारे से 1.5 लाख रुपया आप परमिट का ले रहे हो, आप क्यों इतना जम्मू की जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ धोखा कर रहे हो? एक प्राइवेट मोटरसाइकिल है जो आप कमर्शियल एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, कल कोई किडनैपिंग हो गई, जैसे अभी चेन स्नैचिंग होगी तो SSP जम्मू जो हमारे हैं उन्होंने ये बाइट दिए कि जितने भी चेन स्नैचिंग है जो बाइक पे आके स्नैचिंग कर रहे थे वो बाहर ही निकले। तो ये क्राइम को और बढ़ावा देगा जम्मू के लोगों को, और इसका नुकसान होगा, इसमें क्राइम जो है वो बढ़ेगा। येलो होनी चाहिए, अगर आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं या दे रहे हैं उनको परमिट दीजिए आप। अगर आपने लोगों का भला करना, लोगों को रोजगार देना है, रोजगार आगे जो इस फ्लीट में है जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, एक आदमी के पीछे 5-6 उसकी फैमिली के मेंबर है, ये उनका गला घोटने वाली बात है। तो मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नीचे लेवल पे ये जो बाबू लोग जो ये हमारा नुकसान कर रहे हैं इसको जरा देखें और ये यहां से कैंसिल करें। इनका कहना भी सही है। अब देखते हैं कि जम्मू अब वो छोटा सा शहर नहीं रहा, जम्मू एक बहुत बड़ा शहर हो गया, जरूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ ऑर्डर को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जैसा इन्होंने कहा है कि क्राइम यहां पे बढ़ते जाए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।